हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ एक्सिस बैंक के डिलाइट डेबिट कार्ड के बारे में कि किस तरह का डेबिट कार्ड है आपको, इसमें क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट वगैरह मिलेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसमें क्या फ़ीस और चार्जेस आपको पड़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है इन शॉर्ट सारी जानकारी इसकी दे देता हूँ इस डेबिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल वाउचर मिलेगा और एक माइलस्टोन बेनिफिट्स भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी आपको मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट्स भी मिलेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं सबको जो है डिटेल में कि इसमें हमें क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट वगैरह देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बताया गया कि जो इसका पिन है हम उसको ईजिली जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, हम चाहें तो अपने नियरेस्ट एक्सिस बैंक ATM ब्रांच से उसको जनरेट कर सकते हैं या फिर जो फ़ोन बैंकिंग कस्टमर केयर का नंबर होता है वहाँ पर हम कॉल करके अपना पिन जनरेट करवा सकते हैं। एक्टिवेशन बेनिफिट भी आपको मिलेगा अगर आपने जो है 60 दिन के अंदर, जो इसके फर्स्ट 60 दिन होते हैं जब आपका कार्ड इशू होता है, तो उसमें आपने 3 ट्रांजेक्शन कर दिए हैं तो आपको 2000 का यात्रा वाउचर मिलेगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे अगर जो है 1.25 लाख स्पेंड किए हैं तो ये एक माइलस्टोन होता है, इसमें आपको डबल फ़ायदे मिलेंगे। वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप अपने एज पॉइंट्स को यात्रा वाउचर में 500 के यात्रा वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है इसका जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलता है। माइलस्टोन बेनिफिट इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक लिमिट बनाई गई है, अगर आप इतना खर्च करते हैं तो आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। और आपको इस डेबिट कार्ड के अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट्स मिलते हैं हर महीने। ये कैसे मिलेगा, अगर आप bookmyshow.com या bookmyshow ऐप से एक टिकट बुक करेंगे तो दूसरा आपको फ्री मिलेगा। अब ये 2 ही आपको महीने में मिलेंगे। इसकी लिमिट भी आपको ज़्यादा मिलती है दूसरे डेबिट कार्ड के मुकाबले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेली विड्रॉल लिमिट है वो 1 लाख की है और डेली परचेस लिमिट जिसको हम ऑनलाइन या POS पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो 5 लाख की हमें डेली की मिलती है। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलेंगे हर 3 महीने पे, यानी हर क्वार्टर पे आपको 2 फ्री लॉन्च एक्सेस मिलेंगे एयरपोर्ट पे, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आपको 20% का ऑफ मिलेगा। यहाँ से आप जो है लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं और इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हैं। हमने आपको बताया था इस लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में। तो आप इस डेबिट कार्ड से अगर 200 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 2 एज रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने गलती कर दी। यहाँ पे बताया 1 एज रिवार्ड पॉइंट्स फॉर एवरी 200 स्पेंट ऑन योर वैल्यू प्लस डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नाम भी अलग दिया गया है, तो ये इन लोगों की गलती है। ये डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया भर में। इसमें आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो होता है वो 5 लाख का होता है, एयर एक्सीडेंट कवर जो होता है वो 1 करोड़ का होता है। परचेस प्रोटेक्शन कवर भी आपको मिलता है जो सिर्फ 50,000 का होता है। और बाकी यहाँ पर आपको ब्लॉक करने की जानकारी दी है जो मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस डेबिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट नहीं, सैलरी अकाउंट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं डिलाइट डेबिट कार्ड के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें फीस और चार्जेस की, तो यहाँ पे फीस जो है काफ़ी हाई है, जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मतलब कि फ़ीस जो है एकदम फाड़ के ले रहे हैं ये लोग। तो इशुएंस फ़ीस जो इसकी है वो 1500 रुपये है और एनुअल फ़ीस जो इसकी बनती है वो 999 यानी कि 1000 रुपये है, और रिप्लेसमेंट फ़ीस जो कि आपको 200 की मिलती है। ATM विड्रॉल मैंने लिमिट बताई है आपको इसकी, कि आपको डेली की 1 लाख की लिमिट मिलती है,
और परचेस लिमिट जो है 50 लाख की मिलती है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 5 लाख का है और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस वो आपको तीन महीने में दो बार मिलता है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतनी आप लोगों को जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर